सरकारों के वादे और दावे के बीच उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आवारा जानवरों ने एक शख्स की जान ले ली है। सरकार के तमाम दावे, चमकती सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच एक किसान अपने खेत के बाहर अपनी आखिरी सांस छोड़ चुका है। जिम्मेदार वो नीतियां हैं जिनमें आवारा पशुओं को रोकने के लिए कुछ नहीं है। इस बार उन्नाव जिले में एक किसान को अपनी फसल को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ी है। उन्नाव के बीघापुर थाना इलाके में किसान चंद्रभान सिंह को इस बार अपनी फसल की देखभाल करते हुए अपनी जान देनी पड़ी है। चंद्रभान के परिवार का कहना है कि वो सालों से आवारा पशुओं से अपना खेत बचाते थे। चंद्रभान सिंह अपने खेत की रखवाली कर रहे थे, इसी बीच पीछे से आ रहे एक सांड ने उन्हें पटक दिया। कई सांड के हमले के बाद चंद्रभान गंभीर रूप से घायल हुए और फिर उनकी जान चली गई। गांव वालों को इस बात का पता तब चला जब चंद्रभान के शव को लोगों ने सुबह खेत के बाहर खून से लथपथ हालत में देखा। गांव के लोगों का कहना है कि चंद्रभान अपने खेत की रखवाली कर रहे थे, आवारा जानवरों से इस ठंड में अपना खेत बचा रहे थे, लेकिन जानवरों ने जो हमला किया उसमें उनकी जान चली गई। लोग सरकार को इस पूरी घटना का जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं पुलिस ने चंद्रभान का शव कब्जे में लिया है और अब पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कौन थे आपके? जाजी। क्या हुआ था? कहाँ गए थे? खेत में, खेत की रखवाली कर रहे थे। जानवरों ने आक्रमण किया खेत से हुए। सुबह जब घर नहीं आए तुम लोग गए वहाँ से देखे मृत पड़े। हमारा नाम विष्णु प्रकाश है। ये हमारे गांव के चाचा हैं और ये अक्सर खेतों की रखवाली जानवरों से सालों से किया करते थे। वहाँ रखवाली कर रहे थे, जानवरों के भगाने गए तो वहाँ पीछे से आ रहे सांड ने इनको दो तीन सालों ने मार दिया, उसी से इनकी हत्या हो गई। तो कैसे पता चला आप लोगों को? हम लोगों को सुबह जब वहाँ लोग गए तो देखा वहाँ ये पड़े हुए हैं लथपथ अवस्था में, तो उन्होंने देखा कि जानवरों की उस जगह मतलब खेतों पे काफ़ी वो चहलकदमी और जानवरों को मतलब उस जगह देखा गया तो मृत पाए गए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।